लो जी चमत्कार हो गया, एनडी तिवारी 87 साल की उम्र में बाप बन गए। तिवारी जी के डीएनए ने पोल खोल दी कि वही है रोहित शेखर के बायोलॉजिकल पिता, यानी तिवारी जी हो गए बायोलॉजिकल फादर और डीएनए हो गया है बायोलॉजिकल वेपन। तिवारी जी ने खूब छिछालेदार करवाया, ये बुड्ढा फेक फादर करा ली छिछालेदार। दुनिया को तो अपना गॉड पार्टिकल मिल गया था, अब हमें भी अपना तिवारी पार्टिकल मिल गया है। वैसे इस पार्टिकल के लिए प्रोटॉन की टक्कर 32 साल पहले कराई गई थी। उम्र 55 की दिल बचपन, उम्र 55 की दिल बचपन का। हाँ जी, जब तिवारी जी ने ये बीज बोया था तब उनकी उम्र राइट 55 साल की थी। अब इसमें तिवारी जी का क्या कसूर है भाई, बचपन में तो ऐसी नादानी हर एक से हो ही जाती है। अगर विक्की डोनर का सीक्वल बनने लगा तो उसका नाम होगा तिवारी डोनर, और फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि विक्की के बायोलॉजिकल फादर खुद तिवारी जी है। खानदान डोनेशन की परंपरा काफी पुरानी है। तिवारी जी ने कांग्रेस की परंपरा का पालन किया, जितनी पुरानी पार्टी उतने ही पुराने पप्पा। इस बारे में डिगी राजा का कहना है कि इसमें भी आरएसएस का हाथ है, यानी रोहित शेखर शर्मा का हाथ। वैसे इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं है यार तिवारी जी। हाँ, एक कॉन्डम की क्या कीमत होती है यार, 5 रुपए 10 रुपए या ज्यादा से ज्यादा क्या यार 20 रुपए, और 1980 में तो 50 पैसे में 7-8 मिलते होंगे, और अब कितने का पड़ गया देखो। यानी जल्दबाजी के चक्कर में तिवारी जी जिस कॉन्डम को अलमारी से निकालना भूल गए थे वो दुनिया का सबसे महंगा कॉन्डम साबित हो गया। सारी दुनिया कहती फिरती है कि चीन हमसे आगे है, चीन सुपर पावर है, हमें चीन की बराबरी में 100 साल लग जाएंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता। एक फील्ड ऐसा है जिसमें इंडिया की बराबरी करने में चीन को 200 साल लग जाएंगे, वो फील्ड है छेड़खानी का, सेक्सुअल हरासमेंट का। पिछले दिनों हमारे 100 युवाओं का एक प्रतिनिधि मंडल चीन के दौरे पर गया था, जिसमें कांग्रेस बीजेपी और सपा के युवा नेताओं के अलावा नेहरू युवा केंद्र के कुछ युवा भी शामिल थे। इन होनहार युवाओं ने चीन की लड़कियों को तो छेड़ा ही, अपने साथ गई लड़कियों को भी नहीं बख्शा बोला। यानी हमारे भाई लोग सबको एक नज़र से ही देखते हैं, छेड़ने की नज़र से। एनडी तिवारी के वंशज है। अब इंडिया वापस आकर ये और लोगों को चिढ़ा रहे होंगे, हाँ तुम तो इंडिया में ही लड़की छेड़ रहे हो, हाँ हम तो चीन में छेड़ कर आए, मंगल ग्रह पर भी जाते तो वहां भी यही काम करते, हम फॉरेन रिटर्न छेड़ू हैं। ये सुनिए, शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन के बारे में कहा है कि उसके पास बहुत काम है, मुझे पता नहीं है वो डेट्स मुझे दे पाएगा या नहीं। बाकी अगर अध्ययन के पास इतना काम है तो फिर तो जैकी भगनानी, चिराग पासवान और सचिन जोशी के पास तो स्टीवन स्पीलबर्ग के लिए भी डेट्स नहीं होंगे। फिल्म कॉकटेल देखकर लोगों ने कहा कि दीपिका और डायना जैसी कम उम्र की हीरोइनों के साथ सैफ की जोड़ी कुछ जमी नहीं। हाँ, इस पर सैफ ने कहा कि मैं दिल से अभी भी 30 साल का हूँ। ये बात तो ठीक है नवाब साहब, लेकिन ऊपर से नीचे तक बॉडी के सभी पार्ट्स भी तो 30 साल के होने चाहिए ना। दिल से काम नहीं चलता आज। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दिखाऊंगा एक और गॉड पार्टिकल, तब तक।